चुनावी सभाएं लगातार जारी हैं और बड़े नेताओं का भोजपुर की धरती पर आगमन भी लगातार चल रहा है। बुधवार को बड़हरा विधानसभा में एनडीए उम्मीदवार के प्रचार प्रसार के लिए रक्षा मंत्री भारत सरकार के राजनाथ सिंह एवं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, सांसद आर के सिंह पहुंचे। उन्होंने राघवेंद्र प्रताप के लिए जनता से वोट मांगा। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमने जो वादा किया था वह पूरा कर दिया। अयोध्या में राम मंदिर बनाया, 3 तलाक को समाप्त कर दिया। उन्होंने बिहार में बीजेपी एवं जदयू सरकार को सचिन सहवाग की जोड़ी बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं डिप्टी सीएम सुशील मोदी पर बिहार ही नहीं भारत का कोई भी व्यक्ति उंगली नहीं उठा सकता। उनके ऊपर भ्रष्टाचार का दाग नहीं लगा है। उन्होंने महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर एवं सहवाग की तुलना करते हुए कहा कि जैसे दोनों की ओपनिंग जोड़ी थी वैसे ही बिहार की राजनीति में बीजेपी एवं जदयू की जोड़ी है। उन्होंने राजद पर करारा प्रहार करते हुए कहा, फूट गई लालटेन बा, बह गई तेज बा, अब देश में पांजा के ना चली। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। बह गई अब न पंजा चली और न कोई का कोई खेल चली, अब चली तो है चली। अब मैं ज्यादा बोलना चाहता था कि बड़ी मजबूरी यह है कि एक हमारी और सभा है गड़बड़ हो जाए। एक बात और मैं कहना चाहता अरे भैया मैं जा तो गड़बड़ा गई, आप लोग तो रामचंद्र बाबू को जिता देगा, रामचंद्र बाबू बोले हैं तो फिर। लेकिन अभी भारत और चीन का संघर्ष चल रहा है आप लोगों के मालूम। अब देश का रक्षा मंत्री है तो बारे में कुछ बोलना जरूरी है। बहन भाइयों, भारत और चाइना बॉर्डर पर गलवान घाटी में हमारे बिहार रेजिमेंट के जवानों ने बलिदान देकर भारत माता के स्वाभिमान को बचाया है। बहन भाई मैं उनकी शहादत को नमन करता हूं। माताओं के सामने शीश झुकाकर मैं समर्थन आता हूं। सचमुच हालात क्या है वहां के, इसका मैं खुलासा कर दूं ना, तो आप लोग केवल ताली नहीं बजाएंगे बल्कि इसी धरती पर उछलने लगेंगे। यह हमारे भारत के सेना के जवानों ने किया। यहां से लेकर यहां तक जितने भी आप सभी भाई बहन हैं, मैं सभी से कहना चाहता हूं, हमारे सेना के जवानों ने जो करिश्माई काम किया है बहनों भाइयों, एक बार सारे लोग मीडिया के लोगों का ध्यान जाना चाहिए उधर, पब्लिक की तरफ हमारी तरफ मत देखिए। एक बार सारे लोग हाथ उठाकर देश के सेना जवानों के सम्मान में तालियां बजाकर उनका अभिनंदन कीजिए। और मैं मान कर अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के बारे में मैं बतला सकता हूं। मेरे भाई भारत ही नहीं सारी दुनिया में भारत का मस्तक ऊंचा करने का काम किसी मां के लाल ने किया है, तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, हमारी साख, हमारी विश्वसनीयता दुनिया में इतनी बढ़ गई है कि दुनिया के बड़े बड़े मिलिट्री पावर, बड़े बड़े सैन्य शक्तियां, चाहे वह अमेरिका हो, चाहे वह फ्रांस हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, आज वह भारत के साथ खड़ी है। बहनों भाइयों, यह हम सब के लिए गौरव का विषय है।